ये रहा लेग पीस। हम लोग गांव वाले से छुप कर पार्टी करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारी टीम पतीला, लकड़ी, मुर्गी और मसाला हर चीज लेकर चल रही है। और हम लोगों का मकसद है रास्ता कट करके जाए, मेन रास्ता से न जाए, नहीं तो कोई भी अगर लोकेशन देख ले तो बनने के बाद यानी डायरेक्ट खाने के टाइम आता है और उस टाइम हमला कर देता है और आपको जो भी मिला वही खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के इधर का रूल्स है और जो मिला सब बांट कर खाना होता है। तो लोकेशन का पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम लोग धान के खेती होकर और देख सकते हैं यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं ताकि किसी को अंदाज भी ना हो, भनक भी ना चले कि ये लोग किधर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे पकेगा। तो हम लोगों का रास्ता कुछ और रहेगा और पकेगा किसी और जगह पे, ताकि जो भी सोचेगा कि ये लोग इधर से गया है और उधर आएगा तो वहाँ पे उसको पता भी ना चले। हम लोग गांव वाले से छुप कर पार्टी करने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं पार्टी चुरा छुपा कर करने में मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पे किसी को भनक ना लगे, नहीं तो साथ पकड़ लेते हैं और खाने पीने में भी साथ लग जाते हैं, इसलिए हम लोग बच के निकल रहे हैं धान से और आरी को तोड़कर। और यहाँ पे हम लोग का जो मुर्गी है इधर भाग रहा है, मुर्गी किधर गया भाई, मुर्गी लेकर उधर सामने वाला भाग रहा है भाई। तो ये रहा हम लोगों का ठिकाना और मुर्गी को हमने रख दिया है जमीन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का भी बंदोबस्त किया गया है, यहाँ से ऑटोमेटिक पानी निकलता है बिना मोटर का और डायरेक्ट जमीन के अंदर से निकलता है। तो ये छोटा सा था इसलिए ऊपर छेद करके, ये बंद था तो छेद करके ताकि ये ऊपर से पानी फेंके, तो इसको छेद करके गया है ताकि जो लोग भी प्यासा है इधर से पानी पी सकता है। तो हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जिस जगह पे हम लोगों को पार्टी करना था और यहाँ पे वो हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है जहाँ से ऑटोमेटिक पानी भी निकलता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर आप देखेंगे तो उस साइड में नदी है, नहर है, तो यहाँ पे मैदान भी कर सकते हैं खुलेआम जो आप खाने के बाद करते हैं यानी सुबह के टाइम में। तो हम लोगों का जो माहौल है कुछ अलग है, जैसा कि जो नदी है इसमें थोड़ा बहुत अभी पानी है, पानी थोड़ा बहुत बह रहा है और इधर जंगल ही जंगल है और बांस का जो पेड़ है यानी काफ़ी घना पेड़ रहता है यहाँ पे। तो हम लोगों का पार्टी धीरे धीरे आगाज़ हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग अपना पार्टी स्टार्ट करेंगे। और चिकन तो ज़िंदा है, उसको बनाना भी पड़ेगा, उसके बाद उसका बूटी बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें मसाला मिक्स दुनियादारी ये सब करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों का पार्टी स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे ताकि आपको भी कुछ बूटी और कुछ पीस देखने को मिल जाए, खाने को तो नहीं मिल सकता है लेकिन कुछ आप मज़ा ले सकते हैं। अभी हम लोग जिस इलाका में आए हुए हैं उस इलाका का खूबसूरती आप देख सकते हैं, कितना हरियाली है और कितना सन्नाटा है। यहाँ पे जो पानी का आवाज़ है, साउंड है, वही सुनाई देता है। और यहाँ पे हम लोग का टीम है और हम लोग साथ में आए हुए हैं, तो यहीं पे हर चीज़ किया जाएगा, खाना पीना और धोना हर चीज़ यहीं पे किया जाएगा। तो यहाँ का कुछ सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे इधर हर तरफ ये सिस्टम मिल जाएगा पानी का। तो चलिए पानी हम लोगों ने भर लिया है और चलिए पार्टी का इंतज़ाम करते हैं। और थोड़ी दूर के दूरी पे यानी हम लोग का पार्टी का इंतज़ाम किया गया, वहाँ पे चूल्हा को खोदा गया है और लकड़ी पे खाना बनाएंगे और लकड़ी पे पार्टी करेंगे। और हो सके तो यहाँ पे केला का पत्ता है उसका इंतज़ाम भी किया जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पे छोटा सा घर देख रहे हैं, ये खेत खलिहान के लिए बनाया जाता है कुछ चीज़ों को रखने के लिए ताकि घर पे न ले जाना पड़े। उसके बाद केले का पत्ता का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, केले के पत्ता पे आपको पता होगा काफ़ी लोग खाना भी खाते हैं और केरला में खास करके होटल में भी केले के पत्ते पे खाना दिया जाता है। और जो लोग सऊदी रहते हैं उन लोगों को भी पता होगा कि उस होटल में अगर जाएंगे तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप केले के पत्ता पे खाएंगे या प्लेट पे, तो जो लोग केरला का होता है वो लोग बोलेगा कि केले के पत्ते पे मुझे खाना चाहिए। तो हम लोग भी केले के पत्ते पे खाना खाते हैं और खाते हुए आए हैं, लेकिन इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे कुछ चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि केला का पत्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत हरियाली होता है और बहुत साफ भी होता है। तो हम लोगों ने एक पत्ता काट लिया है, पता नहीं ये केला किसका है, लेकिन एक पत्ता काटने के लिए परमिशन लेंगे तो फिर काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो हम लोग बिना परमिशन का एक पत्ता काट लिए हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर
गोश्त रखने के लिए या इस पे खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे इसका। उसके बाद यहाँ पे चूल्हा भी जल चुका है और मुर्गी अभी काटना बाकी है, लेकिन चूल्हा का इस्तेमाल हो चुका है, आग जलाया जा चुका है। ये रहा लेग पीस, बहुत डेंजर लेग पीस है, यानी मुर्गी कम से कम 4 किलो का था। लेग पीस के लिए लफड़ा हो रहा है तो इसको काटना ही पड़ेगा, इस तरह का लेग पीस नहीं चल सकता है, तो छोटा करना पड़ेगा। तो चलिए छोटा करते हैं और पार्टी अभी जारी है। और उधर कुछ लोग सिर्फ प्याज को फ्राई मार रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आ चुके हैं गोश्त को धोने के लिए, और पानी भी खत्म हो चुका था तो पानी भरने के लिए, क्योंकि गोश्त को बनाने के बाद उसका धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें खून भी रहता है और चीज़ों का उसमें लग जाना, तो इन चीज़ों को धोना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हर चीज़ का बंदोबस्त हो चुका है, अब प्लेट भी लग चुका है और पार्टी यहाँ पे होगा और बटेगा। पार्टी मनाने के टाइम कुछ लोग और ऐड हो चुके हैं, 3-4 लोग, तो सबका खाना एक साथ में बनेगा। और खाने के टाइम में एक चाचा भी आ गए हैं, उनको भी देना पड़ेगा। पहले ओकरा लेग पीस दे दियो, प्लेट कहाँ है? धरा ना प्लेट, धरा ना भाई बा उठो गए कमरे ला ना, तोरा निकाल ले सपना में ला वहां को धरा, धरा पहले कमरे में। हां टंगरी को कमरे में धरी ले, प्लेट के जबवा ओए बा धर टंगरी को में धरी कमरे कमरे के हिस्सा यार, वो पतीला बने रख ले ना पीछे उठा के, धर में सब सही हो तो खाइबो सही कितने दस बाटी जोड़े धर न बाटी यहाँ पे पार्टी खलास हो चुका है, फिर भी कुछ लोग यहाँ पे अभी लगे पड़े हैं। और इस भाई साहब को देख लीजिए, टंगरी अभी तक इसका खत्म नहीं हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं ये अभी शर्मा भी रहे हैं। तो यहाँ पे पतीला भी जल चुका है, यानी पतीला भी खाली हो चुका है, तो कमाल का पार्टी रहा। तो हम लोग अब जा रहे हैं पतीला लेकर, ढकना लेकर, जो भी मिला उन सबको अब धो धा कर लेकर जा रहे हैं। और हम लोग का गाँव उधर है, देख सकते हैं छोटा सा दिख रहा है। तो कैसा लगा आज का पार्टी?